सो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। पहले तो गुड मॉर्निंग। और आज है न्यू ईयर, तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज साल का पहला दिन है और आज हम पहली राइड करने जा रहे हैं। आज हमारा जो ग्रुप है वो आएगा लेपर्ड ट्रेल पे, तो आज हम भी वहीं जाएंगे उनके साथ। न्यू ईयर एंजॉय करेंगे और आप लोग भी एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं आपसे आगे। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के लिए, क्योंकि हमारा जो ग्रुप का लाइनअप है वो इफ्को चौक मेट्रो पे मिलेगा हमारे को, और उसके बाद हम आगे उन्हीं के साथ चलेंगे लेपर्ड ट्रेन। तो भाई लोग, ये अपने ड्यूड भाई और ये अपनी बाइक्स का लाइनअप। और आज दो नए मेंबर्स भी आए हैं जो कि गर्ल्स हैं, और थंडरबर्ड 500 राइड कर रही हैं। तो जी, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से लेपर्ड ट्रेल की ओर, तो बढ़ते हैं आगे। स्टॉल लगी हुई है यहाँ पे, चाय भी है हमारे ग्रुप के मेंबर सही था। पीछे यहाँ पर और लोग भी हैं काफी सारे। ये किधर अभी हम तैयारी कर रहे हैं ऑफ रोडिंग वाले ट्रैक पे जाने की। होगा ना, और इस भाई को देखिए आप, ये भाई देखिए 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 ये देखिए ये देखिए ये देखो ये देखो ये बंदा क्या लाया है। ये बंदा लाया घर से, कह रहा है ऑफ रोडिंग करते वक्त मुझे जरूरत पड़ेगी। मैं लेके आया, पर मेरे साथ ऐसे बच्चे जब साथ रहते हैं ना तो मुझे रखना पड़ता है। सही बात है, सही बात है। तो भाई ये अपना लाइनअप रेडी हो रहा है और अभी हम लोग जा रहे हैं ऑफ रोडिंग के लिए। काफी मजा आने वाला है आज फिर से, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी खन्ना भाई के इवेंट पे जब हम आए थे तब हमने ऑफ रोडिंग करी थी। आज भी हम उसी ट्रैक पे दोबारा जा रहे हैं। तो भाई ये भाई साहब पहले हल्का होने चला गया ऑफ रोडिंग का नाम सुनते ही। तो भाई लोग ऑफ रोडिंग के लिए निकल रहे हैं, सब प्रिपेयर्ड हैं। तो भाई अपनी ऑफ रोडिंग हो चुकी है स्टार्ट। और जब मैं पिछली बार आया था यहाँ पर तब पैथ थोड़ा स्टार्टिंग का डिफिकल्ट था, बट इस बार वो रास्ता थोड़ा सा प्लेन हो गया है तो इतना डिफिकल्ट नहीं है इस बार स्टार्टिंग का पैच। कुछ राइडर्स अभी नीचे ही रह गए हैं, तैयारी तो पैदल पैदल लोग आ नहीं पा रहे हैं ऊपर तक।
वेट करते हैं फिर निकलते हैं ऊपर। कोई दिक्कत नहीं। ये बोलगी बोलगी। हाँ तो बताइए कैसा एक्सपीरियंस है इस ट्रैक के बारे में आपका। स्टार्टिंग में तो ये लगा ना कि थोड़ा सा तो स्टार्टिंग में टफ लगा, लेकिन हाँ ये कि जैसे हार्डली 10 मीटर क्रॉस किया ना तो फिर हाँ वो तो भाई यहाँ काफ़ी ज़्यादा काटे हैं जो कि लग भी रहे हैं हम लोगों को। भाई लोग ये है यहाँ पे छोटा सा तालाब तलूब सा कुछ बना हुआ है। हम सारे हमारा लाइनअप कंप्लीट पहुँच चुका है यहाँ पर। ये अपनी एम्प्टी बीस्ट R5 एक्सट्रीम CVZ एक्सपल्स आपको पता ही है कि ऑफ रोडिंग के लिए ही बनी है। ये मोजो है महिंद्रा की। भाई एवेंजर भी लेके आए हैं देखिए। ज़्यादातर तो हमारे ग्रुप में एक्सपल्स ही है। कितना प्यारा व्यू है यहाँ का देख सकते हो आप। तो भाई लोग अब हम फिर निकल रहे हैं नीचे और आप चल के ब्रेकफास्ट करते हैं ऑफ रोडिंग के ट्रैक से नीचे उतर के। सब लोग चले गए हैं अभी हम लोग ही बच गए हैं बस। तो अब निकलते हैं। बहुत ज़्यादा ही हैवी ऑफ रोडिंग हो रही है आज। काफ़ी लंबा ट्रैक हमने कवर कर लिया है। अब कुछ देर यहाँ रुकते हैं देन नीचे चलेंगे। वैसे मैंने पहले कहा था कि हम नीचे जा रहे हैं बट नीचे नहीं जा रहा था अभी। उस टाइम ऊपर ही आ रहे थे और ज़्यादा हम ऊपर आए हैं। उस साइड हमारा कट पीछे रह चुका है और हम काफी आगे आ चुके हैं। हम आए जंगल में और बट गए रास्ता। बाइक खराब होगी भाई जान। खराब नहीं होगी। खराब क्या होगा भाई जान। पंचर पंचर होगी तो क्या सुनने है भाई जान। क्योंकि उस हिसाब से वैसे भाई जान तो होने का कुछ भी हो सकता है कभी भी। मान बताया ना इसमें हवा कम और एक पत्थर पे दे दो फिर देखो मुड़ता जाएगा। रोड पे भी जो ऑफ रोडिंग होंगे ना ढिचक ढिचक ढिचक। हमारे साथ दो चार मोर भी आए हैं यहाँ पर। पीछे वाले कट से चलना है आगे चलना है ये पूछो। बताओ पीछे वाले ऐसे कर लो चलो आगे। ये नहीं था चलो। तो भाई थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अब फिर हम लोग चल रहे हैं आगे और आगे से वापसी यहाँ से नहीं जाएंगे हम नीचे से ही जाएंगे। तो निकलते हैं। अरे इनको बोलो जल्दी आए। यार कांटे सच में बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा ही गंदा ऑफ रोडिंग हो रहा है यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा टफ लेवल की ऑफ रोडिंग हो गया आज तो। बहुत
बाजू बिल्कुल दर्द कर रहा है। देखिए इतने ज़्यादा पूरे ट्रैक में सबसे ज्यादा दिक्कत हमें इन्हीं कांटों से ही हुई है। तो भाई लोग यहाँ फिर रुकना पड़ गया है। टाइम हो गया 11:30 टाइम हो गया। 11:30 हो रखे हैं। और ये पीछे कार्टून आता हुआ, इसकी तो हरकतों से ही पता लग जाता है। अरे बाइक में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो गई है। देन अभी हम लोग फिर से रुक गए हैं, देखते हैं सोल्यूशन करते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर अटक के? बहुत मजा आ रहा है। इसने कहा हम अटक गए? अरे कंटेंट बना लो भैया। 23rd के मतलब फर्स्ट डे में ना, अभी हार्डली कितना 12 आवर्स भी नहीं हुए और हम यहाँ झाड़ों के बीच में मंगल कर रहे हैं यहाँ पर। आज मतलब बहुत मेहनत चल रही है हमारी, बहुत साल का पहला दिन है और पहले दिन ही हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा होगा कितना टफ पैस था, बिल्कुल मतलब प्योर ऑफ रोडिंग है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों फिर से चालू हमारी ऑफ रोडिंग। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भाई लोग देख सकते हो स्कल पड़े हैं। ओ गेर दी गेर दी गेर दी गेर। और भाई अपने ग्रुप के एडमिन बाइक गिरा चुके हैं अपनी। यार इस रास्ते पे काफी ज्यादा ही काटे हैं, काफी ज्यादा। तो दोस्तों जैसे हमारे को ये लग रहा था कि सिर्फ हमारा ही लाइनअप यहाँ पर आया हुआ है, बट ये देखो गाय का बैल का भी लाइनअप काफ़ी आ रखा है इधर। ये लोग भी आज राइड पे निकले हैं। रुक जाओ यार। तो भाई लोग एक भाई की हीरो एक्सट्रीम बोल चुकी है यहाँ पर, कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो बिल्कुल बंद ही पड़ गई है, तो अब इसको धकेल के जाना पड़ेगा। हम निकलते हैं ऐसी। अब तो मेरे अपनी खुद की बाइक चलाने की हिम्मत नहीं बची। तो भाई लोग बहुत ही भयंकर रही है आज की ऑफ रोडिंग, कांटे लगे आज तो। फिलहाल नीचे उतर ही आए हम। और तो भाई लोग हम तो नीचे पहुंच गए हैं, बाकी अभी बाकी मेंबर्स का वेट कर रहे हैं अपने। ये लोग नीचे बस आए गए, दिख गए यहाँ से मेरे को, आपको पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, आए गए। बहुत ज्यादा गंदा रोड है यहाँ पर। तो जी ये जिस बाइक में प्रॉब्लम आई थी सबसे पहले वही आ रही है। और ये कन्वर्टेबल है, अभी ये इलेक्ट्रिक बाइक हो गई है, नहीं अभी हैंडल्ड बाइक हो गई है। तो ये एक्सट्रीम वाला भाई आता हुआ जो कि सबसे लास्ट में था और अभी सबसे पहले आ रहा है इनमें से। और ये अपने एवेंजर वाले भाई आते हुए।
अब नेक्स्ट अपनी आई थिंक एक्सट्रीम हीरो एक्सट्रीम जो अपने एडमिन की है। तो ये एक्सट्रीम आती हुई हमारे को तो नजर आ चुकी है, आपको भी दिख रही होगी। ये एक्सट्रीम भी निकल आई है। लोग कहते हैं ऐसी बाइकों पे ऑफरोडिंग नहीं की जाती, बट ये भाई करके आ रहे हैं और हम भी अपनी एमपी लेके आ चुके हैं। यहाँ पर एक भाई अपना R15 लेके आया है जिसका तो ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा ही कम है। तो ये आ गए अपने एडमिन। अब देखते हैं नेक्स्ट अपना एक्सपल्स और उनके पीछे अपने कार्टून भाई साहब। ये आ गए जी कार्टून, सबसे होनहार बच्चे हमारे ग्रुप के। इनकी हालत बहुत ज़्यादा ही बुरी लग रही है हमारे को। भाई लोग काफ़ी मज़ा आया आज की ऑफ रोडिंग में, बट ये बहुत ज़्यादा ही लंबा ट्रैक था और बहुत ज़्यादा ही गंदा ट्रैक था, बहुत मुश्किल था हमारे लिए, बहुत कांटे लगे हमारे को आज पहली बार। तो फिलहाल रेडी हो रहे हैं आगे निकलने के लिए, हमारा लाइनअप सारे आ चुके हैं। भाई लोग अभी हम लोग निकल चुके हैं थोड़ी देर रेस्ट करके वहाँ से, और अब चल रहे हैं चल के ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद। वाई शी ऑटो वर्क के नाम से बाइक की शॉप है, ऑल बनवा लिया फाइव का और आप निकल रहे हैं। तो आप जाओगे तो अभी हम फिर से ग्रीनिंग में आ चुके हैं, ऑफ रोडिंग से निकल के फिर से लैपर ट्रेल जा रहे हैं। वहाँ जाके अभी ब्रेकफास्ट सुबह से करा ही नहीं है बिल्कुल भी, तो वो पहले चल के हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, देन उसके बाद थोड़ी देर बातचीत करेंगे आपस में बैठ के ग्रुप मेंबर्स, देन उसके बाद हम फिर घर के लिए निकलेंगे। ठीक है आगे देखिए सैंड का ये हिल बना हुआ है और फैमिलीज यहाँ बच्चों को खिलाने के लिए ला रही है, काफ़ी अच्छा यूज़ में आ रहा है। आज संडे है इसलिए काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो रखा है यहाँ पर। ठिकाना आ गया है ठिकाना, और हमें ग्रुप मेंबर्स का वेट करते हैं फिर निकलेंगे। और वो लोग किधर बैठे हैं जो अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं? नहीं, जो स्टार्टिंग में निकले हैं वो कहाँ बैठे हैं? आज तो ऐसे ही दिन जा रहा है पूरा, कभी कोई कहाँ जा रहा है कभी कोई पीछे रह जा रहा है। सुबह मॉर्निंग के निकले हैं और अभी क्या टाइम हो रहा है भाई? तो भाई सुबह के हम निकले हैं और अभी 2:30 बज चुके हैं, साइड में लगाओ तो भाई। हम सुबह म�र्निंग के निकले हुए हैं 8 बजे के और अभी 2:30 बज गए, हमने ब्रेकफास्ट ही नहीं किया है इसी चक्कर में क्योंकि हम ऑफ रोडिंग के लिए चले गए थे और बहुत ही लंबी ऑफ रोडिंग करके आए हैं। यहाँ से हमने एंट्री मिली थी बाइक से और दूसरी साइड से हम निकले हैं दूसरे गांव से, तो बहुत टाइम लग गया। बाकी है कहाँ? स्टार्टिंग में जो निकले थे वो कहाँ है? ये आ गया राठी कैफे, हमें यहीं बैठना आज। पैराडाइज बंद हो गया? पैराडाइज बंद है? पता
भाई यहाँ क्राउड देख सकते हो, संडे है, मुझे क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। चलते हैं अंदर, बैठते हैं हम भी, ब्रेकफास्ट अब करते हैं। 2:30 बजे देख लो ब्रेकफास्ट हो रहा है हमारा। भाई व्यू देख सकते हो, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो भाई लोग हम पहुंच चुके हैं राठी कैफे, क्योंकि पैराडाइज बंद है और यहाँ क्राउड आप देख सकते हैं कितना क्राउड हो रखा है। तो देखिए ये हमारे ग्रुप मेंबर हैं जिनकी ड्यूटी लगा दी गई है कम स्टाफ होने की वजह से। लाओ जी मक्खन दे दो। तो भाई लोग ये है राठी कैफे, यहाँ हमें 2 घंटे हो चुके हैं और अभी तक हम ना हमारे को परांठे मिले हैं ना परांठे दिखे हैं। यहाँ की सर्विस इतनी बेकार सर्विस है। ये भाई अंदर गए थे, इनको परांठा बना के बेल दिया बोलते खा लो और क्या भी रहे खा लो। तो फाइनली 1.5 घंटे बाद इंतजार खत्म हुआ, हमारा पनीर पराठा और भाई लोग के आलू पराठे। अब 2 घंटे के बाद हम कब बैठे, फटाफट खाते हैं और निकलते हैं। तो भाई लोग परांठे खा लिए और अब वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।